यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल के मेरे शेर जबाजों का एक बार फिर से यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल के प्रिपरेशन में मेरे भाई ताबड़तोड़ स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लीजिए पापा एक हैं, ठीक है, पहले कहानी समझो, ठीक है, पापा भैया एक हैं, लेकिन पापा के जो बेटे हैं उनकी जो क्वालिटी होती है मेरे भाई अलग अलग होती है, होता है ना। पिताजी एक होते हैं, बड़े वाले बेटे की कुछ क्वालिटी होती है, उसकी कुछ क्वालिटी होती है। कहने का मतलब समझो, जैसे मान लो मेरे भाई जो है डीसी मशीन कोई है, ठीक है, तो ये हो गए पापा जी। अब उनके अंदर जो है आप कौन सी वाइंडिंग करते हो, लैब वाइंडिंग करते हो कि वेव वाइंडिंग करते हो, इसके अंदर का जो खेला होता है मेरे भाई, बात को ध्यान से समझो, यूपीपीसीएल जेई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं कि आपको आता है, लेकिन एक बार सुन लो सिर्फ 2-3 मिनट, ठीक है, आपको नहीं भूलेगा। देख मेरे भाई, तो लैब वाइंडिंग में पूछता है कि समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। लैप देखो एल ए पी, तो बोलेंगे ए बराबर पी। और वहीं पर बात करता है भैया वेव बाइंडिंग का, तो वहां पर कहते हैं A = 2 कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? 2 कहते हैं। अच्छा, लैब बाइंडिंग में पी बोल रहा है, क्योंकि लास्ट में पी है, ट्रिक है, पी है, तो मतलब डीसी मशीन भैया कोई भी हो, लेकिन यदि लैब बाइंडिंग है तो A = P होगा, ठीक है। और जबकि यदि वेव बाइंडिंग भैया है तो A = 2 होगा। और ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो हम लोग लैब बाइंडिंग में जो बोल रहे हैं A = P ना, तो ये सिंप्लेक्स के लिए है। कभी कभी जो प्रश्न को घुमा के बोलता है कि सिंप्लेक्स के लिए क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे A = P बोलेंगे सिंप्लेक्स लैब बाइंडिंग के लिए। और यहीं पे बोल देगा डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग के लिए, तब A का मान जो होगा ना पोल का दोगुना होता है। पोल का क्या होता है भैया? दोगुना होता है। इतनी बात समझ में आया? अब सुनो, इसी में जो पूछता है कि लैब बाइंडिंग जो होती है किसके लिए प्रीफर की जाती है, लो वोल्टेज के लिए कि हाई वोल्टेज के लिए। अभी वोल्टेज की बात हो रही है, तो मेरे भाई आप बोलोगे देखो लैप एल ए पी है मेरे भाई ना, तो इसमें देखो यल को पकड़ लो। अच्छा, यल मतलब लो, हो गया, लो वोल्टेज के लिए, लैप में लो वोल्टेज के लिए। तो वेब भैया क्या होगा बताओ? हाई वोल्टेज के लिए। जब यहां पर लैप वाले में आप बोल रहे हो लो वोल्टेज के लिए, तो भैया करंट क्या होगा बताओ? हाई तब होगा। इसका मतलब यह हुआ कि लैप बाइंडिंग जो होता है लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए प्रीफर की जाती है, ठीक है, जबकि वेव बाइंडिंग जो होता है हाई वोल्टेज लो करंट के लिए प्रीफर की जाती है। तो मेरे भाई हम लोगों ने क्या सीखा? लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, उसमें A = P होता है, इसमें A = 2 होता है, लेकिन मामला गया फंस। यदि सिंप्लेक्स कहेगा लैब बाइंडिंग तो बोलेंगे A = P, लेकिन डुप्लेक्स जब कहेगा तो कहेंगे पोल का दुगुना कर देंगे, 2P कर देंगे। और यहां पर वे बाइंडिंग वाले में क्या होता है मेरे भाई? बोलो A = 2 होता है, इतना बात बोलेंगे। और लैब बाइंडिंग जो होता है मेरे भैया, बोलो जल्दी बोल, मेरे शेर जबाज मेरे साथ साथ बोलते रहो, बोलोगे कि लो वोल्टेज के लिए होता है, जबकि वो यही लैब बाइंडिंग हाई करंट, मतलब लो वोल्टेज हाई करंट के लिए होता है। और जबकि मेरे भाई वे बाइंडिंग जो होता है हाई वोल्टेज लो करंट के लिए होता है। यूपीपीसीएल जेई के मेरे शेर जबाजों, मुझे पता है कि आप लोगों को ये आ रहा है, लेकिन 2-3 मिनट का यह वीडियो मेरे भाई एक बार सुन लिए रहोगे ना, तो एग्जाम में कभी भी आएगा ना तो कच्चा चबा के खा जाओगे, मुझे पता है। मैं फिर लेके आऊँगा मेरे भाई एक नया वीडियो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद, पढ़ते रहिए मेरे शेर जबाजों।